just don't understand. तुम्हारे पापा को तो बस एक मौका चाहिए बुहाना जाने के लिए, but how much more? मॉम, आप ऐसे क्यों कह रहे डैड के बारे में? अपने पापा से ही पूछ लो, वो तुम्हें अच्छी तरह बता देंगे। सालों पहले तुम्हारे पापा एक कैंप के लिए बुहाना गए थे और वहां जाकर तुम्हें और मुझे हम दोनों को भूल गए। महीनों बाद बहुत जिद करके उनको मैं वापस यहां ले आई हूं। वो मुझे पता है कि कैसे ले आई मैं उन्हें यहां। डैड भुआना गए हैं? That's amazing. पर डैड ने मुझे कभी बताया ही नहीं। चलो अच्छा है, अब मुहे को ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। डैड को पता होगा ना भुआना के बारे में। अनुषा प्लीज बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। मोही जैसे लोगों के नसीब में पढ़ना लिखना नहीं होता, ओके? वो गांव गई है, उसकी माँ ने उसकी शादी करा भी ली होगी, अब वो यहाँ वापस नहीं आने वाली। फॉरगेट दैट चैप्टर एंड दे डोंट डिजर्व इट, प्लीज। मॉम, व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वही को ढूंढकर वापस लाऊंगी। आई प्रॉमिस्ड हर कि मैं उसे एक डॉक्टर बनाऊंगी। तुम दोनों बाप बेटी तो मेरी कभी सुनते नहीं हो, तो आप क्या सुनोगे? आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू के संडे आई हैव अरेंज्ड फॉर डिनर फॉर यू एंड आयुष, और मैंने कुछ गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया है। दे वर वेरी एक्साइटेड टू मीट आयुष। तो आ जाना तुम दोनों टाइम पे, ठीक है बेटा? ओके बाय। अनुषा की मिस को मिस कर रही होगी मुझे। मैसेजेस, ओके क्या मैसेज है? जाने का प्लान कर रही है? अगर वो वहां चली गई तो मेरा सारा भेद खुल जाएगा, मुझे उसे रुकना होगा। पर कैसे? इतनी मुश्किल से सच को छुपा के रखा था, ये बाहर आ गया तो न जाने क्या होगा। अनुषा, कहाँ पहुंचे तुम लोग? कहाँ पहुंचे क्या, कहीं नहीं पहुंचे। निकलूंगी तो पहुंचूंगी ना। डैड की कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्हें लेट हो गया, अब जैसे आएंगे तो हम लोग निकलेंगे। थैंक गॉड। अब मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ तुम लोग भुआना नहीं गए, अब क्योंकि मोहित तो तुम्हें वहां मिलती ही नहीं। अच्छा मतलब वो यहाँ के लिए निकल गई? नहीं, वो एक्चुअली सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जिले के बड़े स्कूल में गई है, और उसे वीकेंड की वजह से वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो वो बाद में वापस आएगी। ओह अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? वो उसकी चिट्ठी आई थी,
मेरे पुराने ऑफिस में राजू है ना, वो प्यून वो लेकर आया। अच्छा हुआ तुमने खबर दे दी, एटलीस्ट मोही का हालचाल तो पता चला। हाँ ओके, यू कैरी ऑन विद योर वर्क, बाय। ओके बाय। हेलो, या आई जस्ट सॉ योर एड इन न्यूज़पेपर, या इट्स रिगार्डिंग ए वैकेंसी। ओके इट्स डन। शुभू चाय लेके आना जरा। बार बार एक ही बात करते हैं, चली क्यों नहीं जाती, चली क्यों नहीं जाती, तो बस अब जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर। चाची प्लीज, शुभांगी। हेलो हेलो, हेलो मैं शुभांगी। मेरे मायके में तो एक ग्लास पानी तक नहीं उठाया मैंने, और यहाँ तुम्हारी कामवाली बन जाऊँ मैं? पिछली बार मायके गई थी तो हाथ जोड़ कर बुलवाया था वापस, और तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं मायके। सॉरी कहो। कैसे हो आप? क्यों ये तुम पूछ रही हो? तुमने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। चिढ़ होती तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शक्ल से। अच्छा हुआ कि तुम चली गई। अरे तुमने जाने में तो बहुत देर कर दी, तुम्हें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे चिपका रहा 24 घंटे। शुभू को ये पसंद होगा, शुभू को वो पसंद होगा, शुभू ऐसा करेगी, वो वैसा करेगी, यही सोचकर हमेशा शुभू शुभू करता रहा। आदत बना के रख दी थी अपनी। बहुत बड़ी साजिश की है तुमने मेरे साथ, मेरे अच्छे होने का पूरा पूरा फायदा उठाया है तुमने। वाह क्या प्लान था तुम्हारा, कि तुम आराम से वहां अपने मायके में जाकर बैठ जाओगी और मैं यहां पर परेशान घूमता फिरूंगा। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना। मेरे घर वालों के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया तुमने, तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैं अकेला भी रह सकता हूँ। हेलो डैड का वेट कर रही हूँ, जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। साथ निकलेंगे? साथ निकलेंगे। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? घुमाना जा रहे हैं मोही को लेने।
बहू क्या बात है, परेशान हो? विनय अब तक भुआना से आए नहीं। आ जाएगा, चिंता मत करो। एक बात पूछूं? जी कहिए। आज पहली बार तुम्हें विनय का इंतजार करते हुए देख रही हूँ। हेलो हेलो, सच कहें? सामने ना आ जाए, इसलिए बहुत उतावले हो रहे हो। काम की बात करो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरे पास मोही का लिखा हुआ इकरारनामा। चिट्ठी, लेटर, कुछ भी कह लीजिए। अब ऐसा क्या लिखा है उस पे? मैं पहले देखना चाहूंगा। दिखा तो दूं, पर दिखाने की भी कीमत है। कीमत देखने के बाद ही मिलेगी, पहले पता तो चले वो चिट्ठी इस लायक है भी या नहीं। अरे सर जी, आपको अपने इस फैन पर भरोसा नहीं है? मैं एक रिपोर्टर हूं और एक रिपोर्टर हर आदमी को शक की निगाह से देखता है, और फिर तुम तो एक ब्लैकमेलर हो। समाचार की सच्चाई प्रोग्राम कर कर बहुत होशियार हो गए हो लगता है। काम की बात करें, तुम्हें मोही का इकरारनामा कहां से मिला? इन सब बातों में क्या रखा है? आप आम खाइए, गुठलियां ना देखें। काम की बात करें। ओके, पहले मुझे वो लेटर दिखाओ। मैं कैसे मान लूं वो लेटर मोही ने लिखा है? ठीक है, आप तक एक कॉपी पहुंच जाएगी लेटर की। हाँ, पर ओरिजिनल पैसे मिल जाने के बाद। मंजूर है। आपके पास पहुंच जाने के बाद आपके इस फैन का प्राइवेट नंबर आपके मोबाइल पर दिखाई देगा। Have a nice day. Goodbye. Hello. Andy, अभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया, उसकी लोकेशन पता लगा। एक बात पूछूं? जी कहिए। आज पहली बार तुम्हें विनय का इंतजार करते हुए देख रही हूं। आप देख के खुश हो रही हैं या फिर कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन थोड़ा अजीब भी। शायद आपको याद नहीं, लेकिन कई साल पहले विनय भुआना गए थे और काफी महीनों तक वहीं पे रुक गए। लाख बोलने पर भी वो वापस नहीं आ रहे थे। इसी बात को लेकर विनय और मेरे बीच में बहुत लड़ाई हुई। ये भुआना के सब्जेक्ट को लेकर मैंने उनसे बहुत कहा कि आप वापस आइए, अनुषा छोटी है, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के विनय वहीं पे रुक गए। मुझे गुस्सा आया और फिर मैं अपने पापा के घर चली गई। हाँ, मुझे याद है, उस वक्त विनय बहुत दिन बुआना रुक गया था। पापा के घर जाने के बाद विनय और मैंने तो काफी टाइम तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। कुछ समय तो ऐसा था कि मैंने सोचा कि विनय कभी वापस ही नहीं आएंगे,
लेकिन तकदीर का खेल, मेरे पापा बीमार हुए और विनय वापस आ गए। हाँ, उसके बाद फिर वो कभी भुआना नहीं गया। मुझे तो यही कह के गए थे कि वो भुआना किसी मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल कैंप इतनी लंबी होती है ये मुझे पता नहीं था। आई, विनय तो आपसे कभी कुछ छुपाते नहीं है ना? आपको तो जरूर कुछ बताया होगा कि आखिर वो बुहाना गए थे तो कारण क्या था इतने महीने वहां रुकने का? कुछ तो बोला होगा। यहाँ अनुषा और मैं अकेले, उनको हमारी फिक्र भी नहीं हुई क्या? बेटा, ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? क्या इतने सालों में तुमने कभी विनय से नहीं पूछा कि वो बुआना क्यों गया था? आप तो जानती है ना विनय और मेरा रिश्ता कैसा है। हम दोनों के बीच की कड़ी सिर्फ अनुषा है और कुछ नहीं। तुम भूल रही हो बहू, अनुषा का पिता होने से पहले वो तुम्हारा पति है। लेकिन हमारा वो रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया। तुम्हारी तरफ से खत्म हो गया था, लेकिन विनय ने वो रिश्ता निभाया और आज भी निभा रहा है। अब एक बार तुम पत्नी बनने की कोशिश करो। बहुत जल्दी आ गई भुआना से, मोही मिल गई क्या? हम भुआना नहीं गए, मोही की चिट्ठी आई थी, कुछ दिनों में आ रही। दो दिन भी नहीं हुए अनुषा को यहाँ आए हुए, लेकिन किस तरह घुल मिल गई है इस परिवार में, किस तरह उसने अपना लिया इस परिवार को, परिवार वाले लोगों को, है ना? तुम ठीक कह रही हो, कुछ बात तो है इस लड़की में। कब, कहाँ, किससे, कैसे बात करनी है, कैसे डील करनी है, सब आता है। आप लोगों को पता क्या हुआ? भैया को लगता था कि भाभी कोई काम नहीं कर पाएगी, घर का सामान नहीं ला पाएंगी, भाव की मेडिसिन नहीं ला पाएंगी, पर देखो ना, सारा सामान देख के भैया की बोलती बंद हो गई। मैं वाकई खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली। और भैया, भैया तो सुपर लकी हैं, मैं तो सुपर डुपर लकी हूँ, मुझे ऐसी भाभी मिली। तो वेरी लकी। लगता है नुशा भाभी आ गई। चाची, चाची आई है। शुभांगी, आलिस तू? खुश रहा, सुखी रहा। अंजलि, जा सबके लिए पानी लेकर आ। हाँ काकू माँ। शरद कहाँ है? बुलाइए उसे। जी, अभी बुलाती हूँ। ऐसा व्यवहार कोई करता है अपनी पत्नी के साथ? आपको पता है कि बच्चों और समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा? एक बार भी नहीं सोचा कि शुभांगी को इस तरह घर छोड़ना पड़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आखिर इस घर की बहू है वो, उसका सम्मान होना चाहिए। अपनी पत्नी को कोई इस तरह से बोलता है? उस
उसे भला बुरा बोलना, उसकी बेइज्जती करना, ऐसे संस्कार तो नहीं होने चाहिए। मैंने यही सोच कर शरद की शादी शुभांगी से करवाई थी कि लड़का संस्कारों वाला है, घर बहुत ही अच्छा है। क्या मिला हमें बच्चों की जिद बांध के, इनकी पसंद से इनकी शादी करा के? क्या बचा है इनके रिश्ते में जहां मेरी बेटी की बेइज्जती की जाए, उसे मजबूर होना पड़े घर छोड़ने पे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।